गुड आफ्टरनून गाइज। सो ये जब गाड़ी आई थी तो मैंने काफ़ी सारे लोग को, जैसे प्रतीक भाई हो गए, वरुण भाई और प्रशांत भाई, इनको देखा होगा, अल्ट्रोज का जो रिव्यू किया था वो शेयर किया था, तो इनको मैंने इनवाइट किया था। तो इन्होंने भी गाड़ी चलाई है क्योंकि ये सफारी लेने का प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में, यानी बड़ी गाड़ी, SUV सफारी या फिर कोई भी SUV लेने का प्लान कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिक एंड मैनुअल दोनों इन्होंने चलाया था, तो इनसे जान लेते हैं कि इनका एक्सपीरियंस क्या था। तो प्रशांत भाई, जब आपने गाड़ी चलाई थी, पहले मैनुअल की बात कर लेते हैं, मैनुअल हमने चलाया था, तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? वेल, मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक था। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छा था या बहुत ख़राब था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सफारी चला रखी है। पुरानी जो डायकॉर आती थी, मेरे एक स्कूल फ्रेंड के पास है, तो उसके पास उसकी सफारी मैंने ऑलरेडी चलाई हुई है। वो फोर व्हील ऑल व्हील ड्राइव है, वो 4x4 है। तो अगर मैं उससे कंपेयर करूँ तो मतलब चलाने में इट इज़ गुड, चलाने में ठीक है, अगर मैं मैनुअल की बात करूँ, बिकॉज उसकी मैनुअल मैंने चलाई थी। बट लाइक ड्राइविंग डायनेमिक्स इज़ फाइन, मतलब थोड़ा बहुत इसमें, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू है, तो हमने इसमें कुछ इश्यूज़ भी नेटपिक करे कि कुछ इश्यूज़ हैं, बट मे बी वो शायद धीरे धीरे करके, क्योंकि गाड़ी तो ऐसा कर लेते हैं ना, पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको ना इश्यूज़ क्या क्या लगे इस गाड़ी में, देन वी विल टॉक अबाउट फ्लोज। ओके, तो इश्यूज़ में बेसिकली, अगर जैसे आप अगर गाड़ी चला रहे हो तो सेकंड गियर पे गाड़ी नहीं उठ रही थी, ठीक है, हमने मोड्स भी देखे, इकोनॉमी मोड भी देखा, आपका स्पोर्ट मोड भी देखा, सिटी मोड भी देखा, तो गाड़ी सेकंड गियर में बंद हो जा रही थी, राइट। हम लोग को थोड़ा सा टाइम लगा फिगर आउट करने में कि क्लच बहुत धीरे रिलीज़ करना पड़ेगा आपको, तब जाके गाड़ी फिर पिक करेगी। नॉर्मली आप ऐसे गाड़ियों में नहीं करते हो, आप अपना जो आपका नॉर्मल एक तरीका होता है चलाने का, कि आपने हर क्लच रिलीज़ करा, अपने आप जिस पेस पर गाड़ी अपने आप उसमें पेस पिक कर जाती है, बट इसमें ऐसा नहीं था, ठीक है, चलाने में। विद रेस्पेक्ट टू सस्पेंशन बात करूँ तो हाँ, सस्पेंशन मुझे थोड़े से इसमें रिजिड लगे, ठीक है, जो बम्प्स हैं वो थोड़े फील हो रहे थे, क्योंकि जब गाड़ी काफ़ी ज़्यादा ख़राब रस्सों से हमने निकाली तो उसमें थोड़ा सा मुझे फील हुआ कि गाड़ी के सस्पेंशन थोड़े रिजिड थे। सीटिंग वाइज बात करूँ तो देखिए, इसका जो थर्ड रो है वो तो मतलब वो इट्स नॉट अप टू द मार्क, क्योंकि सही कहा है टाटा ने कि वो बच्चों के लिए ही ठीक है, अगर आप दो एवरेज साइज एडल्ट्स भी बैठाओगे तो भी उन्हें दिक्कत होगी। प्लस इसमें कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं जो एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में वो मतलब वो उतने सही नहीं है, बिकॉज इसका जो क्वार्टर ग्लास है, जब आप पीछे बैठते हो तो वो क्वार्टर ग्लास पोजिशन ऐसा है कि वो बहुत छोटा दिखता है अंदर से, एंड यू फील क्लॉस्ट्रोफोबिक, ठीक है, क्लॉस्ट्रोफोबिया आपको लगेगा उसमें अगर आपको प्रॉब्लम है बंद जगहों से। प्लस इसका जो थर्ड पिलर, जो आपका थर्ड रो में AC वेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा इंट्रूडिंग है, स्पेस इंट्रूड करता है, अगर आप अंदर से बैठ कर देखोगे, बाहर से देखोगे तो पता नहीं चलेगा, बट द मोमेंट यू सिट इन द थर्ड रो यू विल रियलाइज दैट, ठीक है। तो इसका जो आपका AC वेंट है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोट्रूडिंग है अंदर की तरफ, ठीक है, तो आपको वो मतलब एक मतलब क्लॉस्ट्रोफोबिया लगेगा आपको, एक बंद वाली फील आएगी। और जो आपका ये आपका सेकेंड रो है, इसमें भी मतलब इफ़ यू लाइक, हम तीन लोग जब बैठे थे तो थोड़ा सा मतलब एक स्क्वीज़ करके हम लोग बैठे थे। वहीं पे अगर मैं बात करूँ आपका, जैसे जो हमारे ब्रदर हैं उनके पास हेक्सा है, हेक्सा में भी हमने बैठ के देखा, बिकॉज गाड़ी बगल में ही खड़ी हुई थी, तो उसमें उतना ज़्यादा नहीं था, उसमें भी कंधे हमारे टकरा रहे थे, बट फिर भी हम लोग पीछे होकर के आराम से बैठते, बट इसमें थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ रहा था। अगर मैं ड्राइविंग सीट की बात करूं तो ड्राइविंग सीट में यू सिट रियली लो, मतलब आप नीचे बैठते हो, लेकिन अगर आप पुरानी सफारी की बात करो, या फिर चलो सफारी भी छोड़ दो, आप एक फुल साइज़ SUV की बात कर रहे हो, जो कि एक 7-सीटर कार है, ठीक है, और SUV का मतलब ये कि आप थोड़ा ऊंचा बैठते हो। आप अगर पुरानी सफारी से कंपेयर करोगे, इवन हेक्सा से कंपेयर करोगे, तो आप काफ़ी ऊंचा बैठते हो, यहाँ पे उतना ऊंचा नहीं बैठे थे। और प्लस जब आप बैठोगे तो, जैसे मेरी हाइट 5'8" है, 5'8" हाइट है मेरी, तो आप जब बैठोगे तो आपको लगेगा जो बॉनेट है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा उसमें चलाने में। सीट ऊंची भी कर लोगे तो भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस इसका जो अंदर का आपका सेंटर कॉन्सोल है, उसकी कॉन्टियोरिंग कुछ ऐसी है कि वो आपके पैर में, घुटनों में मतलब आपको दिक्कत करेगी, वो लड़ती है उसमें, ठीक है, वो टच करती है, तो मतलब मैनुअल चलाने में, बिकॉज आपका लेफ्ट पैर क्लच में एंगेज होता है, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा चलाने में। तो ये था, बाकी ड्राइविंग में इट इज़ फाइन, थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं। इसका जो आपका इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, उसमें वी हैड अ क्रेजी टाइम समझने में, बिकॉज वो बार बार एंगेज हो जा रहा था, ठीक है, क्योंकि ठीक है, वो हो सकता है कि हम लोगों को उतना नॉलेज नहीं है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का, बिकॉज हर बंदा नॉर्मली अपना कन्वेंशनल, उससे उसको पता है कि उसको कब खींचना है पार्किंग ब्रेक और कब उसको डाउन करना है, तो उसमें थोड़ा सा समझने में हो सकता है दिक्कत होगी, थोड़ा हेरफेर होगा समझने में, बट ओवरऑल गाड़ी ठीक है। बट ये है कि अगर आप इसको पुरानी वाली सफारी से कंपेयर करोगे तो
इट्स अ बिट ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट. लेकिन हाँ, मतलब ये है कि पुरानी वाली सफारी का जो एक इट वाज अ लेगेसी, वो एक लीग था, ठीक है. वो लगता था कि हाँ दूर से सफारी आ रही है, बिकॉज अभी जब हम लोग गाड़ी लेके निकले तो हम लोग को कई लोगों ने रोक के पूछा भी, ये तो हैरियर जैसी लग रही है. बिकॉज जो मैंने आपको पहले रिव्यू में बोला था कि ये बेसिकली सामने से बिल्कुल आपको हैरियर दिखेगी, बट वो आपको देख के भी लगेगा कि ये हैरियर का 7-सीटर वर्जन है, इट इज़ नॉट सफारी. ये सफारी को आप नाम आपने दे दिया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मतलब काइंड ऑफ अ हैरियर प्लस बोल लीजिए, या फिर वैसे करके आप बोल लीजिए 7-सीटर हैरियर, बट सफारी वाले एलिमेंट्स थोड़े से मिसिंग हम लोग को उसमें लगे. परफेक्ट. तो इसका जो ब्रेकिंग है, स्टेयरिंग है और गियर हो गया, क्लच हो गया, उसके बारे में आपको? देखिए गियर बहुत स्मूथ है. मैं गियर की बात मैं स्मूथनेस इसलिए बोलूँगा बिकॉज मेरे पास अल्ट्रॉज है, ठीक है. अल्ट्रॉज में आपको, आप लोग को आइडिया होगा कि उसमें गियर थोड़े से अटकते थे, तो अगर मैं उससे कंपेयर करूँ तो गियर इसके काफ़ी स्मूथ हैं. क्लच का ट्रैवल इज़ फाइन, ठीक है. क्लच का ट्रैवल ऑब्वियसली एसयूवी में ज़्यादा था, बिकॉज आई कम फ्रॉम, आई एम ड्राइविंग अ हैचबैक राइट नाउ, प्रीमियम हैचबैक, ठीक है. तो प्रीमियम हैचबैक या हैचबैक कैटेगरी का क्लच और एक एसयूवी का क्लच में थोड़ा डिफरेंस होता है. ट्रैवल जो है वो मेरे को परेशान करने वाला ट्रैवल नहीं है, बट हाँ वो जितना होना चाहिए उतना था. स्टेयरिंग रेस्पॉन्स इज़ फाइन. थोड़ा सा स्टेयरिंग हल्का सा मुझे वेग लगा व्हेन आई कंपेयर इट टू फ्रॉम अल्ट्रॉज, क्योंकि अल्ट्रॉज में क्या है कि उसका स्टेयरिंग बहुत प्रिसाइज है, बहुत डायरेक्ट है. आपको जितना स्टेयरिंग आप मोड़ोगे यू नो कि गाड़ी उतनी ही मुड़ेगी. यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा था कि स्टेयरिंग वेग है, ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई. बाकी ब्रेकिंग वॉज फाइन, ब्रेकिंग इज़ अच्छी है. ब्रेकिंग श्योर फुटेड ब्रेक्स, मतलब ब्रेकिंग आपको कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग ब्रेक्स हैं बिकॉज ऑफ द ऑल फोर डिस्क्स. प्लस टाटा की ब्रेकिंग वैसे भी अच्छी मानी जाती है, चाहे अगर आप मेरी अल्ट्रॉज को भी ले लो तो उसमें भी मुझे ब्रेक में कभी भी ऐसा मतलब कभी इशू भी नहीं आया. प्लस कॉन्फिडेंस में कभी लूज़ नहीं करता. अगर मुझे कभी मान लो पैनिक ब्रेकिंग करनी पड़े या सडन ब्रेकिंग करना पड़े तो मुझे पता है गाड़ी रुक जाती है, ये चीज़ है. और फाइनली लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, इसका जो डिज़ाइन है आउटर और जो इसका जो लेआउट है, डिज़ाइन है, और जिसके सीट की कंफर्ट वगैरह, अगर ड्राइविंग सीट और फ्रंट की बात करें, पीछे का तो बता दिया उतने कंफर्टेबल नहीं है, अगर ड्राइविंग और को पैसेंजर और इसका जो डिज़ाइन लेआउट है वो कैसा लगता है आपको? देखिए डिज़ाइन अगर आप साइड से देखें गाड़ी को बाहर से तो गाड़ी अच्छी लगती है देखने में, ठीक है. ऐसा नहीं है कि गाड़ी मतलब डिसप्रोपोर्शनेट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. गाड़ी अच्छी है देखने से, बड़ी लगती है, लेकिन इट्स अ बिग मसल है गाड़ी में, वो स्टांस है. सामने से देखेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू फिगर आउट, अगर आपने बहुत माइन्यूट डिटेल्स ऑब्जर्व नहीं करे, जैसे इसमें जो ट्राई आरो मोटिफ है ग्रिल पे जो है, ठीक है, अगर वो हटा दिया जाए तो फिर मतलब उसको अगर हैरियर का लगा देंगे तो पीपल विल नॉट बी एबल टू यू नो बोलो दे विल मिस गाइड इट और दे विल मिस जज इट थ्रू हैरियर, राइट. हैरियर ही वो समझेंगे. बाकी साइड से, सॉरी पीछे से अगर मैं बात करूँ तो पीछे से जो इसका मतलब जो इसका डिज़ाइन है वो थोड़ा सा उतना अपीलिंग नहीं लगा, बिकॉज पीछे से चौड़ाई कम कर दी है. अब वो आई डोंट नो बिकॉज ऑफ एरोडायनेमिक्स किया है या क्यों किया है, क्योंकि अगर आप इसका कभी बूट ओपन करके देखें तो सीट और जो आपकी पीछे की सीट है, थर्ड रो ऑफ सीट्स है, उसमें काफ़ी स्पेस है. वो स्पेस इसलिए दिया हुआ है, हॉलो स्पेस है, वो इसलिए दिया हुआ है क्योंकि बाहर से देखोगे तो पता नहीं चलेगा, अंदर देखोगे तो वहाँ पे बॉटल होल्डर्स हैं, कभी होल्स हैं, और एयर वेंट्स का पूरा वो दिया हुआ है, मतलब आपको पूरा सेटिंग दी हुई है वहाँ पे. तो उसकी वजह से वो थोड़ा उसने स्पेस ईट अप कर लिया अंदर से. बाहर से आप देखोगे तो आपको लगेगा बहुत स्पेस छूटा हुआ है, तो वो चीज़ है. तो इसका थर्ड रो तो मैं बोलूँगा इज़ गुड फॉर किड्स. आप एडल्ट्स बहुत लंबा इसमें जर्नी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने इसमें जो देखा कि जब व्हेन वी सैट ऑन इन द थर्ड रो तो यू सेट अ बिट नीज अप, आपकी जो घुटने काफ़ी ऊपर होके बैठते हैं, बहुत कंफर्टेबल पोजीशन वो तो नहीं. बच्चों के लिए इट्स सफिशेंट एनफ, छोटे बच्चे अपना वहाँ पे आप उनको लाइक दे कैन हैव अ फन टाइम, बट एडल्ट्स के लिए लंबे रूट के लिए तो नहीं है. परफेक्ट. तो लास्ट वाला आपसे पूछ लेते हैं प्रशांत जी, आपका जो एस्पिरेशन था, आप देख रहे थे कि आपको एक एसयूवी लेनी है, सफारी आई तो आप बहुत खुश हुए थे कि आप कंसिडर कर सकते हैं, इसीलिए आप यहाँ पे ड्राइव करने आए. तो ये सब चलाने के बाद और सब फील करने के बाद आपकी राय क्या है? देखिए ऑब्वियसली आप सही कह रहे हो कि मैं एक 7-सीटर एसयूवी के लिए मे बी नेक्स्ट ईयर में प्लान करूँगा, बिकॉज देखिए हमारी मेरे पास जो अल्ट्रॉज है वो फर्स्ट बैच की है, तो इतना तो मेरे को पता लग गया कि फर्स्ट बैच की गाड़ी लेने से थोड़ा सा बचिए, ठीक है. सेकंड बैच आ जाए तब आप गाड़ी लीजिए. तो मैं अभी आई एम नॉट एग्जैक्टली इन द मार्केट टू परचेज 7-सीटर एसयूवी, बट हाँ ये ज़रूरी है, मतलब ये बात सच है कि हाँ मैं एक 7-सीटर एसयूवी देख रहा हूँ, प्रेफरेबली इन अ डीजल एंड इन एन ऑटोमेटिक.
ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि मैं बहुत हाई होप से आया था ये, क्योंकि जब गाड़ी हमने जब इसका लॉन्च हुआ था तो हमने जो उसमें जब देखा था, प्लस जो इसके शॉट्स आए थे रिलीज़ हुए थे उस पर जब हमने देखा था, और रियलिटी में तो खैर मैं आई वुड रिकंसिडर माई डिसीजन। सेवन सीटर तो मुझे ये गाड़ी ठीक है, सेवन सीटर बनाई है ज़रूर टाटा ने, बट ये है कि इसका जो लास्ट रो ऑफ सीट्स है वो उतना ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकल नहीं लगा। तो पहले तो मेरा ये कन्फर्म था कि हाँ आई विल गो फॉर अ सफारी, ठीक है, बट अब आई माइट रीथिंक ओवर माई डिसीजन। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल आउटराइटली मना कर दिया है, बट हाँ उस टाइम में था कि सफारी मेरा चॉइस होने वाली थी, बट अभी मैं थोड़ा सा इसको और इवेल्यूएट करूँगा। मैं इस जगह पर आ चुका हूँ कि मैं इसको थोड़ा और इवेल्यूएट करूँ रादर देन गोइंग डायरेक्टली फॉर दिस व्हीकल। परफेक्ट, तो ये था ओपिनियन हमारे प्रशांत भाई का, उनको लेना था, ये इंस्पिरेशन था कि उनको सफारी लेनी है, बहुत ज़्यादा होप थे, तो ये इनका ओपिनियन था। तो यही था आज का वीडियो, होप ये वीडियो आप लोग हेल्प करे अगर ये सफारी आप चूज़ करना चाहते हो या कंसीडर कर रहे हो। आपसे दोबारा मिलते हैं किसी के वीडियो में, टिल देन टेक केयर, सो बी हंबल, बी प्लॉयर एंड बाय।